चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर टोंक दौरे पर हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं से चुनावी मंत्रणा करेंगे। देवली उनियारा टिकट के विरोध के बाद पहली बार टोंक दौरा है नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राजेंद्र राठौर, बीजेपी कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देवली उनियारा में बीजेपी के कैंडिडेट के विरोध को लेकर भी राजेंद्र राठौर जरूर इस मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। आज टोंक दौरे पर हैं और देवली उनियारा में कैंडिडेट के विवाद को लेकर जो खबरें आई उसके बाद ये पहला दौरा है टोंक का राजेंद्र राठौर का। आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आपको बता दें बीजेपी लगातार सत्ता पक्ष के भी निशाने पर है। जिस तरीके से 41 अब कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हुई और उसमें कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी सामने आई जहां पर कैंडिडेट का खुद पार्टी के कार्यकर्ता ही पार्टी के नेता ही विरोध करते हुए नजर आए, तो अब देवली उनियारा में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जब विरोध किया तो अब राजेंद्र राठौर आज टोंक दौरे पर हैं, 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो क्या कैंडिडेट्स को लेकर हुए विवाद को लेकर भी कोई अपनी बात राजेंद्र राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्या इस मैटर को सुलझाने के लिए ही राजेंद्र राठौर टोंक पहुंचे हैं? भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हमारे सहयोगी भूपेंद्र लाइव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, देवली उनियारा में कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट का जिस तरीके से पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, काफी हलचल देखने को मिली। आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर पहुंचेंगे टोंक और मीटिंग्स होंगी, तो क्या माना जाए इस मुद्दे को लेकर ही सबसे ज्यादा चर्चा होगी? बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 41 जो नामों की सूची जारी की थी उसके बाद ही विरोध जारी जो विरोध था वो खुलकर सामने आने लगा था। जो विजय बेसला है उनको देवली उनियारा से जो उम्मीदवार बनाया गया था, उसके बाद पूर्व विधायक राजेंद्र गुजर के नेतृत्व में भारी संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो उन्होंने पहले तो उनियारा में विरोध जताया, उसके साथ ही कल भारी संख्या हजारों की तादाद में जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर जाकर प्रदर्शन किया। उसके बाद आज उसके तुरंत बाद ही एक टीम का गठित कर जो नाराज कार्यकर्ता है उनको मनाने के लिए टीम का गठित किया गया था। आज राजेंद्र राठौड़ उस मामले को लेकर टोंक पहुंच रहे हैं। अभी देखना ये होगा कि जो नाराज कार्यकर्ता उनको कैसे मनाया जाता है और 11 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जानकारी देंगे और कार्यकर्ताओं से गुप्त मंत्रणा का भी जो भाजपा कार्यालय उसमें गुप्त मंत्रणा भी की जाएगी। जी, राजेंद्र राठौर की क्या यहाँ पर राजेंद्र गुर्जर जो पूर्व विधायक है उनके साथ भी कोई मीटिंग रखी गई है? उनके साथ बातचीत होगी, उन्हें मनाया जाएगा? जी, मैं बताना चाहूंगा कि सभी जो समस्त कार्यकर्ता हैं टोंक जिले के उनको बुलाया गया है और गुप्त मंत्रणा की जाएगी उनके साथ। जो नाराज है उनको लेकर जो नाराजगी है उसको दूर करने के प्रयास किए जाएंगे और जो विजय बेसला को टिकट दिया गया है वो गुर्जर समाज के एक बड़े नेता है और लगभग 6 सीटों को साधने के लिए बीजेपी ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है। उसके बाद जो विरोध के स्वर सामने आए उसके लेकर ये जो बड़े नेताओं का पहली बार टोंक हो रहा है। जी बिल्कुल, देवली उनियारा की अगर बात करें, टोंक जिले की अगर बात करें, तो इस क्षेत्र में पहले भी इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिली हैं। जब टिकट कैंडिडेट को मिलता है तो कई समर्थक दूसरे नेताओं के आ जाते हैं और वो अपना आवाज बुलंद करते हैं और विरोध जताते हैं। अब ऐसे में बीजेपी ने पहले भी टिकट बदला था, अपना फैसला बदला था, अब इस तरह की परिस्थिति यहाँ पर भी बनी है कि विवाद हुआ है, तो कैसे संभालेगी बीजेपी सिचुएशन को, क्या लगता है? जी नंदनी, बताना चाहूंगा कि पिछले चुनाव की बात करें तो राजेंद्र गुजर है वो यहाँ पर विधायक प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़े थे। उसके बाद जो उदयलाल गुजर है उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर के चुनाव लड़ा था, उनको लगभग 8 से 9 हजार वोट मिले थे और राजेंद्र गुजर चुनाव हार गए थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इससे सबक लेते हुए इस बार मूड में है कि जो नाराजगी है उसको दूर किया जाए और कोई भी शख्स बीजेपी से निर्दलीय प्रत्याशी ना उतरे। जी, तो किसी भी तरीके से जो लोगों का गुस्सा है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के रूप में ना निकले जिससे बीजेपी को नुकसान ना हो, अब इसकी कोशिश की जाएगी। जो राजेंद्र गुर्जर हैं जिनके द्वारा विजय बैसला को टिकट दिए जाने को लेकर विरोध किया जा रहा है, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया है? अब आप मांग उनके समर्थक कर रहे हैं कि राजेंद्र गुर्जर को दिया जाए, तो क्या वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की पेशकश कर चुके हैं?
जी अभी तक ऐसे कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। राजेंद्र गुर्जर खुद मीडिया के सामने नहीं आ रहे, उनके समर्थक हैं जो स्थानीय की लगातार जो स्थानीय उम्मीदवार है उनको टिकट देने की मांग कर रहे हैं। हजारों की तादाद में जो प्रदेश मुख्यालय वहां पहुंचे थे, वहां प्रदर्शन किया, वहां पर जो प्रदर्शन के बाद उनको आश्वासन के बाद वो वहां यहाँ पहुंचे, आज राजेंद्र राठौड़ पहुंचेंगे, उनसे गुप्त मंत्रणा की जाएगी। अब देखना ये होगा कि बीजेपी जो विरोध है उसको किस तरह पार पा सकती है। हाँ जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब राजेंद्र राठौड़ चूंकि पहुंच रहे हैं, बातचीत होगी और राजेंद्र गुर्जर और उनके समर्थकों को यहाँ मनाने का प्रयास किया जाएगा, और सीधे तौर पर पहले जिस तरीके से जब राजेंद्र गुर्जर को टिकट मिला था और उसके बाद उदयलाल गुर्जर निर्दलीय लड़े, जिसका नुकसान राजेंद्र गुर्जर को उठाना पड़ा था, बीजेपी को उठाना पड़ा था, बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अब विजय बैंसला को टिकट देकर यहाँ पर जो विरोध हो रहा है, अगर राजेंद्र गुर्जर निर्दलीय लड़ते हैं तो कितना नुकसान बीजेपी को हो सकता है, क्या आपका आकलन कहता है? ये बताना चाहूंगा कि देवली उनियारा विधानसभा में मीणा बाहुल्य और गुर्जर बाहुल्य सीट मानी जाती है। इसी तौर पर हम देखें विजय बैंसला को चुनावी मैदान में उतारने का कारण ये है कि जो सटे हुए इलाके हैं, जो सटी हुई विधानसभा है, वो सभी गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है। अगर गुर्जर राजेंद्र गुर्जर यहाँ से निर्दलीय उतरते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा और बीजेपी इस चुनाव को हार सकती है।